बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेड व्यूअर्स, आज जो है हम एक्सरसाइज 1D करने जा रहे हैं ऑक्सफोर्ड मैथ बुक 3 की। तो बेटा उससे पहले जो है हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें जो हमने पहले चीज़ें पढ़ी हुई हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज़ ax² + bx + c इज़ इक्वल टू 0। और जब हम सॉल्यूशन करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दैट मे वी हैव 3 मेथड्स, बाय फैक्टराइजेशन, और फैक्टराइजेशन में हम ये टेकिंग कॉमन में से भी फैक्टराइज कर सकते हैं, ये फार्मूलाज लगा सकते हैं, और फिर ग्रुपिंग मेथड, ये ऑलरेडी आप लोग डिस्कस कर चुके हैं। द सेकंड मेथड वी कैन यूज़ दैट इज बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं जी। और द नेक्स्ट वन इज़ द बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, दैट इज़ x इज इक्वल टू -b + -b² - 4ac² और होल डिवाइडेड बाई 2। अगर किसी क्वेश्चन में उसने आपको स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, जस्ट कहा हुआ है कि सॉल्व दैट वन, तो आप कोई भी यहाँ पे जो मेथड है वो अडॉप्ट कर सकते हैं। बट उसने आपको स्पेसिफाई किया हुआ है कि यू हैव टू सॉल्व दिस बाय फैक्टराइजेशन या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला, देन यू हैव टू अप्लाई दैट स्पेसिफिक मेथड। अगर कुछ आप और करेंगे तो दैट विल बी द रॉन्ग मेथड। ठीक है जी, हम एक्सरसाइज 1D पे आते हैं। तो 1D पेपर तक इसमें कुछ उसने क्वेश्चंस दिए हुए हैं डिफरेंट टाइप के, और उसमें कुछ क्वेश्चंस के पार्ट दिए हुए हैं। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस जो है हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास जो क्वेश्चन मैंने जो सिलेक्ट किया हुआ है क्वेश्चन 1, उसका मैंने ए पार्ट सेलेक्ट किया हुआ है। तो उसमें लिखा हुआ है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो दिस इज़ बेसिकली सॉल्व आपने करना है, यहाँ पे उसने कुछ स्पेसिफिक नहीं कहा हुआ। 8x = 2x + 1, जस्ट किस तरह करेंगे आप लोग कि यहाँ पे x है उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद उसको सिंपलीफाई किया है। तो दिस इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और यहाँ पे आप इसको अगर फार्मूला यहाँ फैक्टराइजेशन नहीं होती तो हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं a, b और c, और इसको अप्लाई करके यहाँ पे हमने फार्मूला अप्लाई किया है और इसका ये आपके पास एक आंसर आ गया है। क्योंकि ये आप लोग चीज़ें पहले कर चुके हैं इसलिए मैं थोड़ा सा इसको क्विकली जो है वो डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 जो है उसमें मुख्तलिफ पार्ट्स आपको बेसिकली यहाँ पे मतलब यहाँ पे दिए हुए हैं। क्वेश्चन 2 में एक पार्ट दिया हुआ है द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉजिटिव नंबर्स 12x + 1 and 12/x = 1। तो यहाँ पे बेटा डिफरेंस की बात हो रही है, तो पहले आपने ये ध्यान में रखना है कि जो इसमें जो लार्जर वैल्यू है दैट इज़ 12/x, और उसको पहले लिखेंगे और देन 12/x + 1 दिस इज़ अ स्मॉलर वैल्यू, तो उसको जो है आप जो है ना वो बाद में लिखेंगे। तो डिफरेंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, तो ये अपने ध्यान रखना है 12/x - 12/x + 1 = 1। तो इसका जो बेटा एलसीएम जो है, जब हम इसको एलसीएम लेते हैं तो ओवरऑल अगर आप एलसीएम लेंगे तो दैट विल बी x * x + 1। तो इसको हमने सिंपलीफाई किया है, और जब इसको डिनोमिनेटर है वहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन आपके पास ये बन गई है। तो यहाँ पे आप इसको फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा होता है कि फर्स्ट पार्ट में यू हैव टू शो द इक्वेशन, तो ये शोन हो गया। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन के साथ तो हमारे पास ये दो आपके पास क्या है वैल्यूज़ आ गई हैं एक्स की 4 और 3। तो इसमें बेटा क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसमें आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, 3 में भी 4 में भी और 5 में भी आपके पास ये डिफरेंट पार्ट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पार्ट जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है टू डिस्कस द क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन 5 f पार्ट। तो इसमें देखें बेटा ये लिखा हुआ है 7/(x - 1) और -(x + 1) / (x + 3) = 1/2। तो बेटा अगर हम इसको लेफ्ट साइड पे अगर देखते हैं तो ओवरऑल इसका एलसीएम बन रहा है जी x - 1 * x + 3। तो डिनोमिनेटर अगर हम सेम करेंगे तो इसका ये प्रोसेस हम अप्लाई करते हैं, और ये 1/2 अलग रखा हुआ है, इसको पहले सिंपलीफाई किया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्योंकि हम ऑलरेडी कोच कर चुके हैं P2 वगैरह में भी इस तरह क्वेश्चन हम सॉल्व आउट कर चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा क्विकली ब्रीफ करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसको हम सिंपलीफाई करेंगे और ये जो वैल्यू आपके पास आ रही है यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्योंकि यहाँ पे देखें ये -2x² है और दिस इज़ x², तो इसको हम पॉजिटिव करने के लिए x² का कोफिशियंट इसको उधर ले जा रहे हैं, तो ताकि ये इसका कोफिशियंट जो है वो पॉजिटिव हो जाए। तो ये क्वेश्चन आपके पास आ जाएगी, और इसी तरीके से हमारे पास ये इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। तो इसमें a की वैल्यू 3 है, b = -12
और c इज इक्वल टू -47, वी जस्ट अप्लाई द फार्मूला एंड वी गेट द वैल्यूज ऑफ x 6.4 और -2.4। ये इसका आंसर आ जाएगा। प्लीज़ इसको मज़ीद आप सिंप्लीफाई भी इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो है एक क्वेश्चन नंबर 6 सेलेक्ट किया हुआ है, इसमें उसने अपने पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल की वैल्यू दी हुई है 112 सेंटीमीटर एंड इट्स ब्रेथ x सेंटीमीटर। इसमें वो कह रहा है कि आपने इसकी पहले फाइंड इन टर्म्स ऑफ x एन एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो आपने पहले लेंथ निकालनी है, फिर आपने उसको दिया हुआ है कि गिवन दैट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज दिस वन, और फिर आपने उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है, फिर आपने इसको फर्दर सॉल्व करना है, और देन द लास्ट वन इज फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल। तो बेटा इसमें आपके पास जो क्वेश्चन है, तो सबसे पहले देखें आपके पास एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, उसकी लेंथ आपको नहीं पता लेकिन ब्रेथ उसने आपको एक्स दी हुई है। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 112 और उसका फार्मूला होता है 2 × 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। तो यहाँ पे लेंथ का पता नहीं है लेकिन ब्रेथ इज इक्वल टू एक्स, 2 को हमने डिवाइड किया है, तो दिस इज द इक्वेशन कि लेंथ इज इक्वल टू 56 माइनस एक्स, दिस इज लेंथ इज इन टर्म्स ऑफ एक्स। एरिया उसका आपको दिया हुआ है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, उसको हमने सॉल्व किया है, लेंथ की वैल्यू ये आ गई है, ब्रेथ की वैल्यू ये आ गई है, इक्वेशन बन गई, तो दिस इज शोन ये सेकेंड पार्ट। नाउ थर्ड पार्ट इज ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -56x और c इज इक्वल टू 597। उस पर हमने फार्मूला अप्लाई किया और फार्मूला अप्लाई करने के बाद हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट उसने कहा है कि यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल। बेसिकली द डायगोनल इज द लाइन सेगमेंट विच जॉइंस अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ द रेक्टेंगल, दिस इज नोन एज द डायगोनल। सो इफ वन लेंथ इज 41.68 फोर एंड द सेकंड वन इज 14.68, सो यू हैव टू फाइंड दिस लेंथ डायगोनल लेंथ। अब बेसिकली आपके पास देखें कि जब भी ट्राइंगल होती है, रेक्टेंगल होती है, उसका ये एंगल 90 होगा, देन यू कैन अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर और अपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर, यू कैन अप्लाई हियर। सो उसको हमने जब अप्लाई किया है देन वी गॉट द वैल्यू ऑफ एक्स। सिमिलरली यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है आपके पास दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8, उसको सेलेक्ट किया है, अ वायर ऑफ लेंथ 200 सेंटीमीटर इज कट इनटू 2 पार्ट्स। तो इसको बेटा थोड़ा सा हमने इस तरह सॉल्व किया है कि आपके पास जो है ये अगर एक वायर दी हुई है, उसके दो पार्ट्स हैं, 200 सेंटीमीटर के दो पार्ट्स हमने बना रहे हैं, एक 4x और 200 -4x। यहाँ से हम x और 200 -x से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने 4x से क्यों किया है, क्योंकि इस लाइन को उसने कहा है कि आपने स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। द स्मॉलर लेंथ अगर इलेक्ट करते हैं 4x से, द लेंथ ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर जो होगी 4x को जब हम 4 पे डिवाइड करेंगे तो दैट विल बी x। इस तरह लेंथ ऑफ द लार्जर इज 200 -4x, द लेंथ ऑफ लार्जर स्क्वायर दैट विल बी 200 -4x डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि 4 साइड्स हैं तो उनको 4 पे डिवाइड करें। आगे जो आपके पास उसने एक कंडीशन दी हुई है, दैट इज एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, एरिया ऑफ द लार्जर स्क्वायर इज 9 टाइम्स एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर। तो स्मॉलर स्क्वायर का जो है उसकी लेंथ एक्स सी, तो एक्स स्क्वायर उसका फार्मूला बनेगा, उसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, और एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर लेंथ मल्टीप्लाई बाई लेंथ 50 - x × 50 - x। तो बेटा ये अब इसको हमने सिंपलीफाई किया है, सिंपलीफाई करने के बाद ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसको 4 से सिंपली फर्दर डिवाइड किया है, तो ये हमारे पास एक सिंपल फॉर्म बन गई है, दिस इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए यहाँ से हमने एक इक्वेशन वैल्यू आपके पास आ गई 12.5 और -25, क्योंकि लेंथ है तो लेंथ नेगेटिव में नहीं होगी, इसलिए हम इसको इग्नोर करेंगे। बट द क्वेश्चन वाज यू हैव टू फाइंड द पैरीमीटर ऑफ द लार्जर स्क्वायर, देन द लेंथ ऑफ द लार्जर स्क्वायर मे बी दैट वाज द 50 - x। तो x की वैल्यू हमारे पास क्योंकि 12.5 आई है, उसको माइनस करेंगे तो दैट विल बी 37.5 सेंटीमीटर। देन पैरीमीटर ऑफ लार्जर स्क्वायर इज 4 × 37.5, उसको मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी 150 सेंटीमीटर। उम्मीद काफ़ी है कि आपको कुछ इसकी बात समझ आ गई होगी। अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो तो फिर हम इसको दोबारा भी डिस्कस कर लेंगे, या कोई आप मुझसे फिर रबते में रहिएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।